क्या आपका बजट है 20,000 रुपीस, आप बाय करना चाहते हो उसी प्राइस के अंदर 5G स्मार्टफोन, दोस्तों आपके लिए एक बहुत बड़ा सा गुड न्यूज है, क्योंकि गैस इस जनवरी पर बहुत सारा 5G स्मार्टफोन इंडिया पर लॉन्च होने वाला है। उसी से दोस्तों पहला स्मार्टफोन मुझे लगता है दोस्तों वो लॉन्च करने वाला है और रेडमी वालों ने, क्योंकि गैस Xiaomi Mi 10i बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है और दोस्तों इसका लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुका है। स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है इंडिया पर 5 जनवरी को। आज इस वीडियो में स्मार्टफोन का सारा कुछ स्पेसिफिकेशन और स्मार्टफोन का प्राइस कितना हो सकता है ये सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में शेयर करने वाला हूँ। तो कैसा होने वाला है Mi 10i और जानने के लिए ये वीडियो अब लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो गाइस, मैं हूँ संजय, आप देख रहे हैं मिस्टर संजय यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिए, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए। एक मजे की बात बताओ दोस्तों, रेडमी जो चाइना पर लॉन्च किया था रेडमी नोट 9 प्रो 5G स्मार्टफोन, वो स्मार्टफोन रीब्रांडिंग होकर इंडिया पर 5 जनवरी को लॉन्च होने वाला है Mi 10i, और स्मार्टफोन होने वाला है सस्ते में 5G स्मार्टफोन। स्मार्टफोन का कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन जो ऑफिशियली कंफर्म होकर बाहर आए, जो है गाइस इसका कैमरा। स्मार्टफोन आने वाला है पीछे की तरफ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ। इसका जो प्राइमरी सेंसर होने वाला है 108 मेगापिक्सल का, उसी के साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस के लिए, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के लिए और 2 मेगापिक्सल है माइक्रो लेंस के लिए। यहाँ पर जो पिक्चर क्वालिटी आने वाला है लाइक DSLR कैमरा की तरह। उसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा होने वाला है 16 मेगापिक्सल। बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। स्मार्टफोन आने वाला है 6.67 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले के साथ। उसी के साथ स्मार्टफोन का जो सबसे बड़ा हाइलाइटेड फीचर्स रहने वाला है जो है गाइस इसका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट। स्मार्टफोन आने वाला है 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ। स्मार्टफोन होने वाला है गेमिंग के लिए काफी अच्छा खासा, इसलिए दोस्तों स्मार्टफोन के अंदर रहने वाला है क्वालकॉम की तरफ से 750G चिपसेट जो सपोर्ट करता है 5G को। ये जो स्मार्टफोन होने वाला है 5G स्मार्टफोन। इसके बाद जान लेते हैं इसका बैटरी के बारे में। स्मार्टफोन आने वाला है 4820mAh बैटरी के साथ और इनबॉक्स आने वाला है 33W का फास्ट चार्जर के साथ। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों ये जो स्मार्टफोन होने वाला है एक ऑल एवरेज पैकेज वाला स्मार्टफोन। उसी के साथ बात कर लेते हैं स्मार्टफोन के स्टोरेज वेरियंट के बारे में। स्मार्टफोन के अंदर आपको 2 वेरियंट रैम देखने को मिल जाएगा, 6GB और 8GB वाला वेरियंट के साथ स्मार्टफोन आने वाला है। इसके बाद जान लेते हैं इसका प्राइस के बारे में। काफी सारे रूमर्स वगैरह आ रहा है स्मार्टफोन की प्राइस के बारे में। यहाँ पर बताया जा रहा है स्मार्टफोन का प्राइस जो रहेगा 20,000 रुपीज के अंदर। अगर स्मार्टफोन 20,000 रुपीज के अंदर आए ना दोस्तों काफी अच्छा खासा स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि गैस 20,000 रुपीज के अंदर पहला स्मार्टफोन होने वाला है जो 108 मेगापिक्सल जो कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है। उसी के साथ यहाँ पर 120Hz का रिफ्रेश रेट भी रहने वाला है और इसका जो प्रोसेसर होने वाला है काफी पावरफुल चिपसेट। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों 20,000 रुपीज के अंदर ऑल एवरेज पैकेज प्रोवाइड करने वाला स्मार्टफोन होने वाला है। स्मार्टफोन काफी अच्छा खासा होने वाला है, आपको स्मार्टफोन के लिए वेट करना चाहिए। ऐसे भी गैस जनवरी के महीने में बहुत सारा 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है। गैस ये था पूरी इन्फॉर्मेशन Mi 10i के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ मैंने आपका सारा डाउट क्लियर करा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, उसी के साथ साथ जो मेरा नया मेहमान हो अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में क्लिक करिए। अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन वगैरह स्मार्टफोन के बारे में मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स।